Hey guys, welcome back to TechSites. Vineet Sai here. Pop is showtime. Guess who's back again? Oh, they don't know. I bet they know as soon as we तो सबसे पहले तो यार थैंक यू आप सब लोगों को, थैंक यू मेरे 100,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाने के लिए, क्योंकि ये सब आप लोगों की वजह से ही हुआ है। अगर आप लोग मेरे वीडियोस ना देखते और चैनल को सब्सक्राइब ना करते तो शायद आज मेरे 100,000 सब्सक्राइबर्स कभी कंप्लीट ही ना होते। तो सबसे पहले आप सब व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को थैंक यू। तो जैसे कि मैंने अपने 10,000 सब्सक्राइबर वाली वीडियो में भी कहा था कि आप लोगों की मेरे साथ बिल्कुल इंटरेक्शन नहीं है, और मुझे काफी लोग कहते हैं कि आपकी इंटरेक्शन नहीं है आपके व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के साथ। और आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूं और मैंने अपना रिसेंटली थर्ड ईयर कंप्लीट कर लिया है, और मैं बठिंडा पंजाब से हूं, एड्रेस तो नहीं बताऊंगा ऑफ कोर्स। तो बात करते हैं कि मैंने चैनल कब और क्यों स्टार्ट किया। तो बस मुझे था कि मुझे कुछ करना है, तो मैंने गूगल पे सर्च किया कि क्या कुछ कर सकते हैं, तो यूट्यूब ऑप्शन मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैंने 2015 से यूट्यूब को सीरियसली चलाना स्टार्ट किया, क्योंकि उससे पहले तो बस वीडियोस डाउनलोड करना, म्यूजिक डाउनलोड करना, बस इतना ही करता था। तब मैं बस ट्यूटोरियल्स देखता था, कुछ भी करना है तो यूट्यूब पे सर्च मारो, गूगल पे सर्च मारो कि बस क्या करना है, तो बस हर चीज के लिए मैं यूट्यूब और गूगल पे जाता था। तो ये देख देख के लगा कि यार एंड्रॉइड एप्स पर वीडियोस तो मैं भी बना सकता हूँ, क्योंकि तब मेरे पास माइक्रोमैक्स A290 फोन था, जो कि बहुत पुराना मॉडल है, 2014 मॉडल है, वो वाला फोन था मेरे पास। उसमें 1GB रैम थी और 1.4GHz ट्रू ऑक्टाकोर प्रोसेसर था, GPU तो शायद याद भी नहीं है क्या था। तो बस मैंने अप्रैल 2016 में मेरे फाइनल एग्जाम से 10 डेज पहले, जब बाकी बच्चे पढ़ रहे थे, तो मैं ट्यूटोरियल्स देख रहा था कि मैं विंडोज मूवी मेकर को कैसे यूज करूं और उस पर वीडियो एडिट करूं, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्ड तो पता था कि हो जाएगी, एडिटिंग का था और तब बेसिक सॉफ्टवेयर था विंडोज मूवी मेकर, बस उसी को सीख रहा था। तो करते करते मैंने 2-3 वीडियोस अपलोड कर दी थी 10 डेज के अंदर, फिर उसके बाद मैंने एग्जाम्स के बाद वीडियो स्टार्ट की अपलोड करना। और अगर आप लोगों को नहीं पता तो पहले मेरे चैनल का नाम क्रेजी ब्रदर्स था, लेकिन फिर उसको मैंने चेंज करके टेक्स सही रख लिया, क्योंकि क्रेजी ब्रदर के नाम पे एक म्यूजिक बैंड है जिसकी मिलियन व्यूज है, और 1 month मैंने वीडियोस अपलोड किए, और उसके बाद भी अगर मैं यूट्यूब पर क्रेजी ब्रदर्स सर्च करता था तो उनकी वीडियोस ही आती थी, मेरे और मेरे चैनल का कुछ भी नहीं आता। तो बस इसलिए मैंने अपने चैनल का नेम चेंज कर लिया, और पहले मैं वीडियोस इंग्लिश में बनाता था और उसको मैंने हिंदी में इसलिए कन्वर्ट कर दिया क्योंकि उस टाइम पे हिंदी का ज्यादा क्रेज चल रहा था और काफी हिंदी चैनल ओपन हो रहे थे, और जिन लोगों को मैं वीडियो शेयर करता था और वो भी मोस्टली हिंदी को ही प्रेफर करते थे, तो मैं इंग्लिश में वीडियोस तो बना रहा था लेकिन ऑडियंस इंग्लिश वाली अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए मैंने हिंदी में वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया। तो टेक चैनल मैंने इसलिए स्टार्ट किया कि मैंने आपको जैसे बताया कि मेरे पास माइक्रोमैक्स का A290 फोन था, मैं उसमें कुछ ना कुछ करता रहता था कि इसमें ये हो जाए, इसमें वो हो जाए, सब कुछ, मतलब यानी कि अगर आपको कंप्यूटर भी चलाना है तो मैं देखता था कि मेरे फोन से चलता है, तो उसके लिए शायद क्रोम डेस्कटॉप ऐप था, मैंने उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया। पीसी इस रूम में होता था, मैं दूसरे रूम में बैठा हुआ था और अपना पीसी ऑपरेट करता रहता था, अगर कुछ फाइल्स शेयर करनी है या कुछ डाउनलोड करना है तो, क्योंकि मैं बहुत लेजी पर्सन हूँ, मुझे एक रूम से दूसरे रूम में जाना बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो बस मैं हर चीज को सोचता था कि मेरे फोन से हो जाए, कुछ भी नहीं होता था सर्च करता था कि इसका कुछ कोई ऐप हो या फिर मैं इसको अपने फोन से कैसे ऑपरेट करूं, तो बस उसी को आगे करते करते मुझे इसमें इंटरेस्ट हो गया, और रोज गूगल पे न्यूज पढ़ना, तो उस टाइम मैं हाइक न्यूज प्रेफर करता था और मैं न्यूज सेक्शन में जाता था और सिर्फ टेक्नोलॉजी सेक्शन चूज करता था और सारी न्यूज पढ़ता था, फुल आर्टिकल पढ़ता था मैं, और कभी भी मैं बोर नहीं होता, और बुक्स पढ़ने से तो पता ही आपको नींद आ जाती है, लेकिन फोन पे अगर कुछ ऐसी चीज पढ़नी हो तो मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं सारा दिन पढ़ सकता था और मैं पढ़ता भी था। और कुछ टाइम के बाद मैंने अपने ब्रदर से अपना फोन एक्सचेंज कर लिया और उससे यूफोरिया ले लिया, और यूफोरिया एक ठीक ठाक डिवाइस था जिससे कि मैंने अभी तक अपनी सारे वीडियोस रिकॉर्ड की। तो बस फिर मैंने वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट किया और करते करते आज यहाँ पर हैं, और हमारे 100,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अभी तक अपने चैनल को अपडेट क्यों नहीं किया है, क्योंकि मेरी YouTube की फर्स्ट पेमेंट मेरे 90,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने के बाद मिली थी, तो क्योंकि मेरा पैन कार्ड तब तक बना नहीं था और बैंक वालों ने कहा था कि जब तक आप अपना पैन कार्ड सबमिट नहीं करोगे तब तक कोई भी फॉरन की पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगी, तो इसलिए मुझे पैन कार्ड बनाने में 2 month लग गए, और ऐसे करते करते बस 90,000 सब्स होने के बाद मुझे मेरे YouTube से पेमेंट आई। और आप लोग कह रहे होंगे कि अपने पेरेंट्स का अकाउंट क्यों नहीं दिया, क्योंकि तब तक मैंने अपने पेरेंट्स को अपने YouTube चैनल के बारे में बिल्कुल नहीं बताया, और जब मैंने अपने YouTube की पेमेंट से ट्राइपॉड ऑर्डर किया और जब डिलीवरी हुई ट्राइपॉड की,
तब उन्हें मैंने बताया कि मेरा एक यूट्यूब पे चैनल है, मैंने वीडियोस अपलोड की थी और कुछ अर्निंग हुई थी, उससे मैंने ट्राइपॉड लिया है। पहले तो वो माने नहीं, लेकिन बाद में कहने कि जो करना है कर ले। तो बस मैंने ट्राइपॉड ऑर्डर कर लिया, ब्लू स्नोबॉल माइक ले लिया और मैं जल्दी कैनन 700D कैमरा परचेज कर। तो अब इस चैनल पर ऑडियो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी दोनों ही अच्छी हो जाएंगी। तो अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के बाद और उसके बाद एडिट करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मुझे एक वीडियो बनाने में 9 से 10 घंटे लग जाते हैं। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी हर वीडियो प्रीवियस वीडियो से अच्छी हो, और उसके लिए मैं नए इफेक्ट्स यूज करता रहता हूँ और नए टेक्स्ट इफेक्ट्स यूज करता रहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि बस बेस्ट हो पहले से। ऑडियो क्वालिटी इंक्रीज करने की कोशिश करता रहता था, लेकिन तब तक तो मैं फोन से ही रिकॉर्ड करता था, फिर भी होता था कि ऑडियो क्वालिटी अच्छी हो जाए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट आपकी वीडियो में आपकी ऑडियो क्वालिटी आती है। अगर यूजर्स अगर व्यूअर्स को कुछ समझ ही नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं है, जैसी मर्जी वीडियो बना रहे। और वीडियोस इसीलिए मेरी इतनी लेट आती थी क्योंकि 9 to 10 hours मुझे एडिटिंग करने में लगते थे और मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता था। तो जब रूम खाली होता था या फिर सब अपने काम कर रहे थे, तब मैं दोनों साइड से कुंडियां लगा के फिर वॉइस रिकॉर्ड करता था। एडिटिंग तो स्क्रीन रिकॉर्ड करके बस बाद में पीसी में एडिट करनी होती थी, बस वॉइस में ही थोड़ी प्रॉब्लम आती थी, वो मैं फिर करता था। तो घर वाले कहते थे कि कुंडिया लगा के क्यों बैठा है, रूम खोल ले। यही मैं करता था, लेकिन मैं कहता था कि मैं कोई काम कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस का मैं अपने Q&A सेक्शन में रिप्लाई करूंगा और वो Q&A सेशन जल्दी आएगा। पिछला वाला मैंने अभी तक नहीं किया, लेकिन सच कह रहा हूँ ये वाला तो जरूर आएगा। और यार कुछ लोग गिव अवे के लिए कह रहे थे, लेकिन अगर आप मेरे चैनल चेक करेंगे तो मेरे अप्रॉक्स 4 मिलियन व्यूज हैं, अभी शायद वो भी नहीं हुए हैं। और उसमें से जो मेरी टॉपर वीडियो है 6 सीक्रेट ऐप्स वाली, 9 लाख व्यूज होने के बाद यूट्यूब ने उसकी मोनेटाइजेशन क्लोज कर दी, क्योंकि उसमें एक एड्स के ऐप था जिससे कि आप यूट्यूब की एड्स को स्किप कर सकते हैं। तो उसके बाद से जितने भी व्यूज आ रहे हैं, और मोस्टली मेरे उसी वीडियोस पर अभी तक व्यूज आ रहे हैं, बाकी वीडियोस पर तो ज्यादा व्यूज नहीं है। तो मेरी मोस्टली जो अर्निंग हुई थी उसी वीडियो से हुई थी, और अब उसी वीडियो पे मेरी अर्निंग बंद हो चुकी है, क्योंकि अप्रोक्स 1.4 मिलियन व्यूज है, तो मुझे 5 लाख व्यूज की बिल्कुल अर्निंग नहीं हुई है। तो मैं सोच रहा था कि अपनी वीडियो क्वालिटी को अच्छा करूं, या फिर मैं कुछ टाइम के बाद एक गिव अवे कर दूंगा, क्योंकि अब अगर मैंने कैमरा ले लिया तो बहुत मुश्किल है गिव अवे करना। तो आप लोग इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यार बस लास्ट में आप सब लोगों को एक बार फिर से थैंक यू, क्योंकि आपकी वजह से ही हमारा चैनल इतना ग्रो कर पाया है, और अब मैं रेगुलरली वीडियोस अपलोड करने की ट्राई करूंगा, क्योंकि 9 डेज हो चुके हैं, मेरे एग्जाम ओवर हुए और अभी तक मैंने एक ही वीडियो अपलोड की है। तो मैं ट्राई करूंगा कि रेगुलरली वीडियोस अपलोड किया करूं। तो बस आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो टेक्सेज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आप करना चाहते हैं तो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।